हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ पबजी के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, रॉयल पास का वीक 7 आ गया है और मैं भी आ गया हूँ आपके लिए वीडियो लेकर कि इस हफ्ते आपको क्या क्या मिशन मिला है और इसे आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं इस हफ्ते आपको क्या क्या मिशन मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्री आरपी वालों के लिए जो मिशन है वो वाला मिशन, मतलब ये रॉयल पास जिन्होंने खरीदा है उन लोगों के लिए भी है और फ्री आरपी वालों के लिए भी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मिशन है वो किल 20 एनिमीज इन पोचिंग के विद M416 और स्कारेल। मतलब दोस्तों, इसमें आपको M416 और स्कारेल जो सभी का फेवरेट गन होता है वो लेके आपको 20 एनिमीज को किल करना है और वो भी पोचिंग की में। तो पोचिंग की में दोस्तों आपको बहुत सारे एनिमी तो मिल ही जाता है, तो इससे आपका मिशन और भी ज़्यादा आसान बन जाता है। और दोस्तों, इसमें आपको सबसे अच्छा बात यह है कि आपको मैच नहीं बताया गया है कि आपको कितने मैचेस में 20 एनिमीज को किल करना है, तो इसे आप एक मैचेस में भी कंप्लीट कर सकते हो या 20 मैचेस में भी कंप्लीट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको 20 एनिमीज को किल करना है। तो नेक्स्ट जो मिशन है वो है किल एन एनिमी 30 मीटर्स और मूव अवे विथ ए ग्रेनेड ट्वाइस। मतलब आपको दो एनिमी को किल करना है एक ग्रेनेड लेके 30 मीटर या उससे दूर से। तो दोस्तों, इसमें आप डिस्टेंस को भूल जाइए, क्योंकि अगर आप किसी को ग्रेनेड से मारोगे तो एकदम सामने से तो नहीं मारोगे ना, तो 30 मीटर को इतना दूर का डिस्टेंस भी नहीं होता, इसीलिए आप डिस्टेंस को भूल जाइए। बस आप ये कोशिश कीजिए ग्रेनेड से दो एनिमी को, एक ग्रेनेड से दो एनिमी को किल करने का, इससे आपका दूसरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा जो मिशन है वो है लैंड ऑन टॉप ऑफ एनी बिल्डिंग इन पोचिंग की 3 times। तो इसमें दोस्तों आपको पोचिंग की में जो बिल्डिंग है वहाँ पर 3 times उतरना है। और दोस्तों, इस मिशन को अगर जब आप कंप्लीट करने निकलेंगे तो आपका पहला मिशन भी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ये दोनों मिशन सिमिलर टाइप है। तो इस दोनों मिशन को कंप्लीट करने में आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा। इसमें आपको 3 times ऊपर उतरना है पोचिंग के में ऊपर, और पहला जो मिशन था उसमें आपको किल करना है। तो जब आप जहाँ पर उतरेंगे तो वहाँ पर कुछ एनिमी के तो किल करेंगे ही ना, तो इससे आपका दोनों मिशन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो मिशन है अन एस और एवाब 5 times इन एनी मोड। दोस्तों, इसमें आपको हर वीक की तरह जो एस डबल एस और ट्रिपल एस होता है वो आपको इस वीक में भी एस या उससे ऊपर लेना है किसी भी मोड में, वो भी 5 times लेना है, इससे आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो मिशन है वो है किल 3 enemies विद फिस्ट। तो दोस्तों, इस तरह का मिशन आपको कभी कभी देखने को मिलता है और इस हफ्ते भी आपको दिया गया है। आपको मुख से 3 enemies को किल करना है या हाथ से आपको 3 enemies को किल करना है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, किसी बॉट को आप हाथ से या मुख से किसी जगह पर देख लिया तो किल कर देना। अगर आप नॉर्मल नंबर करने जाओगे तो आप भी मर सकते हो दोस्तों, तो वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो आप कोशिश करना किसी बॉट को मुक्के से या हाथ से किल करने के लिए। और लास्ट जो मिशन है फ्री आरपी वालों के लिए वो है किल 10 enemies और मोर इन ए सिंगल मैच। तो दोस्तों, इसमें आपको एक मैचेस में 10 enemy या उससे ऊपर किल करना है, वो भी एक सिंगल मैच में। तो ये थोड़ा टफ मिशन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 10 enemies कोई इतना छोटा बात नहीं है, और जो लोग प्रो खेलते हैं उन लोगों के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों मेरी तरह जो लोग हैं जितना प्रो नहीं खेलते उन लोगों के लिए बहुत ही टफ हो जाता है। तो आप इसे कोशिश करना कि आपका रैंक जिस सर्वर में सबसे कम है उसमें ये कंप्लीट करने के लिए। तो जब आप उसमें ये कंप्लीट करने जाओगे तो आपका ये मिशन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी इसी तरीके से करता हूँ। दोस्तों, यही था फ्री आरपी वालों के लिए मिशन। और जिन लोगों ने रॉयल पास खरीद लिया है उन लोगों के लिए सबसे पहला जो मिशन है वो है डिस्ट्रॉय 10 vehicle tires। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान और फालतू टाइम मिशन है, क्योंकि इसमें आपको जो बाइक कार या व्हीकल मिलता है उसका जो टायर है उसको आपको डिस्ट्रॉय करना होगा, और वो भी 10 vehicle का टायर डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इससे आपका पहला मिशन कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट जो मिशन है गेट एन एंगल फॉर ग्रिप इन 20 matches। तो दोस्तों, आपको जो एंगल फॉर ग्रिप मिलता है जो आप M416 में लगाते हो, वो एंगल फॉर ग्रिप आपको लेना है, वो भी 20 matches में। अगर आप एक मैचेस में 20 ले लोगे इससे आपका ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा, आपको 20 matches में एक एक करके लेना है, इससे आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो मिशन है वो एक डील 1000 damage इन ए सिंगल मैच। तो दोस्तों, इसमें आपको 1000 damage देना है, वो भी एक सिंगल मैच में। तो ये थोड़ा टफ मिशन हो सकता है, लेकिन उतना भी टफ नहीं, 1000 damage कोई इतना बड़ा बात नहीं है। तो आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा एनिमी को एक मैचेस में किल करने के लिए। तो ये जो 10 enemies को किल करने वाला मिशन था, वो मिशन अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपका ये मिशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को ये लगता है। तो ये दोनों मिशन सिमिलर टाइप है, तो अगर आप एक को कंप्लीट करोगे तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो मिशन है इस हफ्ते का वो है किल 20 enemies विद DP28। दोस्तों, DP28 मेरा भी पर्सनल फेवरेट गन है, और उतना बुरा भी गन नहीं, आपका भी फेवरेट गन होगा। तो ये लेके आपको फिर से 20 enemies को किल करना है। तो इसमें भी आपको नहीं बताया गया है आपको कितने मैचेस में करना है, इसे आप एक मैचेस में भी कंप्लीट कर सकते हो या 20 मैचेस में भी कंप्लीट कर सकते हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको डीपी 28 लेके 20 एनिमीज को किल करना है, ठीक है। इससे आपका ये लास्ट वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यही था इस हफ्ते का जो मिशन है वो सारे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे कि इसको आपको कैसे कंप्लीट करने हैं। और आपको कोई परेशानी हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, मैं मेरे सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, इससे आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।